तो भारत से कनाडा के 41 राजनयिकों को निकाले जाने के मामला जो है वो लगातार गरमाता जा रहा है। कनाडा को भारत का जवाब देते हुए कहा है 41 राजनयिकों की वापसी वेना संधि का उल्लंघन नहीं है, दो तरफा राजनयिक समानता संधि के अनुरूप है। भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप स्वीकार रही है। तो जो बड़ा आरोप यहाँ पर कनाडा भारत पर लगातार लगा रहा है उसका जवाब यहाँ पर भारत ने दिया है। 41 राजनयिकों को वापस भेजने की जो बात यहाँ पर कही जा रही थी और समानता की यहाँ पर बात कही जा रही थी, ये मांग यहाँ पर उठ रही थी भारत की तरफ से, इसको लेकर भारत ने कड़ा रुख देखिए यहाँ पर अख्तियार किया। 41 राजनयिकों की वापसी संधि का उल्लंघन नहीं है और इस तरह का आरोप स्वीकार नहीं है, दो तरफा राजनयिक समानता संधि के अनुरूप है। ये देखिए ये बयान यहाँ पर भारत की तरफ से यहाँ पर आया है ट्रूडो को, कनाडा को, क्योंकि लगातार जो कनाडा की तरफ से ट्रूडो भारत पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं जिसका जवाब कड़ा रुख भारत का देखने को मिला। तो इस पूरे विवाद में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। The actions that the government of India took this week are themselves contrary to international law. The government of India decided to unilaterally revoke the diplomatic immunity of 40 Canadian diplomats in India. This is a violation of the Vienna Convention governing diplomacy. This is them choosing to contravene a very fundamental principle of international law and diplomacy. It is something that all countries in the world should be very worried about. And this is putting aside the allegations we made of a serious violation of international law with the alleged killing of a Canadian citizen on Canadian soil that the Indian government could have been involved in. और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे का। ब्रह्म प्रकाश देखिए कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, एक के बाद एक लगातार कई अनाप शनाप आरोप कनाडा भारत पर लगाता आया है और इस बार भी देखिए 41 राजनयिकों को लेकर भी, लेकिन जवाब यहां पर भारत ने मुंह तोड़ दिया है। बिल्कुल देखिए भारत का इस मामले में रुख अभी भी बिल्कुल सख्त रहने वाला है क्योंकि जो कट्टर खालिस्तानी आतंकी हैं वो कनाडा में पनपते हैं और लगातार भारत के इंटरनल मामलों में दखल दिया जा रहा है कनाडा की तरफ से, इस वजह से भारत ने सख्त रुख अपनाया है। जहां तक कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान है जो ट्रूडो ने आरोप लगाया है वेना कन्वेंशन को लेकर, तो देखिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ किया है कि किसी भी इंटरनेशनल नियम का उल्लंघन नहीं है ना ही वेना कन्वेंशन का उल्लंघन है। वेना कन्वेंशन के 11(1) के मुताबिक, नियम संख्या 11(1) के मुताबिक उस देश को ये जो है जो मेजबान देश है वो संख्या डिप्लोमेट की संख्या को बराबरी कर सकता है, इस बात का हक है उसको, ये उसमें नियम में दिया गया है और यही बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने कही है कि हमने किसी भी इंटरनेशनल नियम का उल्लंघन नहीं किया है, ये हमारे पास हक है कि हम जो आपके ज्यादा संख्या में डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या कम कर सकते हैं। तो भारत की तरफ से रुख बिल्कुल साफ है कि इस मामले में भारत बिल्कुल सख्त रुख अपनाने वाला है क्योंकि कनाडा में देखा जा रहा है। भारत ने अपना स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लियर रखा है कि क्या कुछ नियमों का पालन हुआ है, कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है और इस तरह के आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।